subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी सोफिया कुकिंग शो में सब खैरियत हूँ। मज़ेदार रेसिपीज जो तुम्हारा काफ़ी सारी फरमाइशू तुम पूरी क्यों, काफ़ी सारी रेसिपीज पांजो भी तक शेयर क्यों। सियारो अची रो तो सियारे में काफ़ी सारा खाधा अड़ा हूँ जो अस दिल कह खाने जो, तो अज सीरो एक गजरन जो सूजी जो हलवो ठो तमाम मज़ेदार गजर जो हलवो अना अगैं हली ठाईदी गजरू अना एडी सुठी ना आयु थोड़ी सस्तु भी थन गजरन जो हलवो ठाईदी अज ठाए पे गजर सूजी जो हलवो उन गड आलू जो कतला अस फ्राई कर साई मिर्च से गुड पटाटा ठाईदी ढी मज़ेदार ही बी रेसिपी सुबह बारे वगे रिपीट हल्द तो स्क्रीन से नंबर हल्ले पो का भी फरमाइश करें जो कुछ भी पूछो हो पुछी सोता एन एक्स असा गुड है। एन एक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर एंड मिक्सर तुम्हारे सामू अवेलेबल है तुम वी भी सो मार्केट में। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं सर्दियों के हिसाब से बहुत सारे खाने फिश की बहुत सारी वैरायटी आपको बनाना सिखाई, तो अब हम थोड़ा हलवे वगैरह ही बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जो हलवा बना रहे हैं वो है सूजी और गाजर का हलवा। सूजी का हलवा बनता है, गाजर का हलवा बनता है, गाजर के डिफरेंट हलवे खीर और सूजी के डिफरेंट हलवे बनते हैं, लेकिन गाजर के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ ही हम सब्ज़ी बनाएंगे, सब्ज़ी भी खाते रहते हैं, फ़िश तो बनती है लेकिन सब्ज़ी भी ज़रूर बनती है, खासकर आलू शौक से सब बनाते हैं। तो आज हरी मिर्च आलू बनाएंगे, इसकी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। चिकन किचन में चलेंगे और रेसिपी करेंगे स्टार्ट, और क्विक रेसिपीज़ हैं और इंशाल्लाह फिर कल हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। ठीक है, कल चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे, मैं दोबारा इसे अनाउंस कर रहा हूँ चिकन कॉर्न सूप का, ताकि सीज़न आ गया और जिन जिन की फरमाइश थी तो वो आप लोग नोट कीजिएगा। साथ ही एग फ्राइड राइस बनाएंगे चाइनीज़ राइस। ठीक है, सुभाने चिकन कॉर्न सूप ठाईदी इन कर हाँ बुधा पे, ताकि याद हुए जरूर डिजो विसारजो ना उन सब चाइनीज़ राइस ठाईदी। परी वरी संडे वे ढी ठाईदी स्टीम जो चिकन टिक्का ठाईन स्टीम रोस्ट रो ठाईदी। ठीक है, आलू के कतलन लाए अध किलो आलू खाया या डेढ़ पा खी वो हाफ स्लाइस कटिंग जी कतला से फ्राई करना है उन तरीके से तुम कटिंग कर वो पानी में इन कर पिसाएं ताकि कारा ना थियन। ठीक है, आलू इसलिए पानी में भिगो के रखें ताकि काला ना पड़ जाए। आप इसको क्या करेंगे कि कटिंग करके आलू को उसी वक्त फ्राई करें या फिर आप इसको भिगो के रखें। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आलू की सब्ज़ी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम गाजर का और सूजी का हलवा बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑयल इसमें गरम करेंगे हम तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम। ठीक है, जैसे हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल लेंगे, 8 खाने के चम्मच जितना आपने ऑयल ले लिया। जी ऑयल गरम थी दो इनमें भी जंदासी अच्छो ज़ीरो। ठीक है, इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और उसके साथ ही हम इसमें क्या डालेंगे, हरी मिर्चें, क्योंकि ये आलू हरी मिर्च है तो इसके लिए हरी मिर्च हमने कितनी लेनी है, 8 अदद मोटी वाली हरी मिर्च। अगर बारीक वाली हरी मिर्च है वो ना डालिएगा, मोटी हरी मिर्च भी हर जगह मिलती है तो वो डालेंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बारीक वाली से क्या होता है, तीखापन आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मोटी हरी मिर्च बारीक कटिंग की हुई है, दिखा जो मोटी हरी मिर्च बारीक कटिंग की हुई है 8 अदद। ठीक है, 8 अदद मोटी वाली साई मिर्च, 8 का 10 अदद तुम बारीक कटिंग कर वो, पतली वाली मिर्च ना वो, उनका तेज़ी अची वी तो ही बेस्ट है। जैसे यहाँ पे ऑयल गरम होने लगेगा इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। ठीक है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, 1 टेबल स्पून अच्छो ज़ीरो 1 खाने जो चम्मच। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी हल्का सा, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें 8 अदद चॉप की हुई। ठीक है, हरी मिर्चें 8 अदद चॉप की हुई मोटी वाली डालेंगे, इसका भगार बनेगा हरी मिर्च और ज़ीरे का, सावा मिर्च आई ज़ीरे जो दाग ठो 1 खाने जो चमचो सावा अच्छो ज़ीरो 8 अदद सावा मिर्च मोटा वारा, बारीक सन्ना वारा ना विझो वो पोला ही तिखा थी वा। ठीक है, पतला वाला नहीं डालिएगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, तो मोटी हरी मिर्च से इतनी तेज़ी नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद जब आप हरी मिर्चों का कलर चेंज होने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ डाल देंगे, 1 बसर जी मिर्चन जो दाग ठो 1 बसर इनमें विझंदासीं, बसर के नरम कंदासीं। ठीक है, इस तरह ऑयल गरम किया 8 खाने के चम्मच या आधा कप से थोड़ा कम। ठीक है, इसके बाद आपने सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच डाल दा, 8 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली या 10 अदद डाल दें कटिंग करके, और मिर्चों का और ज़ीरे का भगार बना, उसमें प्याज डाल दिया 1 मीडियम साइज़ का प्याज हाफ स्लाइस कटिंग करके, 8 खाने का चमचा ऑयल गरम करो, ऑयल गरम थी दो
एक खाने जो चमचो अच्छो जीरो विधो, अच्छो जीरे में सावा मिर्च अठ अद मोटा वारा विधा, साए मिर्चन जो दाग ठयो जीरे से गड, में एक गंढ बसर की विधि, बसर के गाढ़ो न करो, थोड़ा हल्को गुलाबी थी वो, ठीक है, हल्का सा गुलाबी होने लगेगा प्याज, इसका थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा, प्याज का नरम हो गया, तो हम इसमें डाल देंगे आलू हाफ स्लाइस कटिंग किए हुए, बारीक कटिंग किए हुए आलू के कतले, जैसे हम फ्राई करते हैं उस तरह आपने आलू आधा किलो से डेढ़ पाव जितने आपने ले लेने, जितने आपको अच्छे लगे, ठीक है। तो आप क्वांटिटी में बनाएंगे, एक पाव आलू के बना रहे तो मिर्चें छः कर लीजिएगा या पाँच कर लीजिएगा, प्याज छोटा ले लीजिएगा, इस तरह आपने करना, और जीरा एक चाय का चम्मच, ठीक है। अगर तक के घट क्वांटिटी में ठाईद एक पाव पटाटन जो, तो मिर्च पंज कर छो, अच्छो जीरो एक चाय जो चमचो कर छो, बसर एक नंढी गंढ कर छो, सफा या अध बसर खी वो, और इसको इस पर हम मिक्स करेंगे आलू के साथ। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, आलू हरी मिर्च की सब्ज़ी, इसमें फ्लेवर हरी मिर्चों का ही आएगा, इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, ठीक है। साई मिर्चन सा ही खा दो, गाढ़ा मिर्च इनमें कौन होगा, इनमें मिर्चन जो साई मिर्चन जो ही जायको होंगे कतलन में, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नमक हाफ टी स्पून या हद ज़रूरत, ठीक है। लूण पांच हिसाब से अद चाय जो चमचो या पांच हिसाब से जितो तक सुठो लगे एतो तक में लूण विझो, ठीक है। हसबे जरूरत मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है, इसी तरह हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, अद चाय जो चमचो हाइड पीठर और अद चाय जो चमचो लूण गए, ठीक है। आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, इसको मिक्स करें और इसमें हाफ कप पानी डाल के इसको कवर करेंगे, जब तक आलू हमारे हल्की आंच पे गल जाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, हल्दी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। असा हाँ इनमें विझासी अध कप पानी, बस आधा कप पानी डाला और इसको मिक्स करके दूसरी साइड हल्की आंच पे कवर करके पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट, जब आलू की कतलियाँ गल जाएंगी फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, अभी इसमें टमाटर भी जाएंगे लेकिन वो जब हम इसे गला लेंगे आलू को, ठीक है। आलू पटाटा जड़े गरी वा तो वो असा इनमें विझासी टमाटर, लो मीडियम पे रखना है अपने चूल्हा, ठीक है, बहुत दम पे भी नहीं रखना है, लो मीडियम पे रखेंगे ताकि आपके आलू अच्छे से गल जाएं, उसके बाद इसको देखेंगे। ब्रेक में कितना टाइम है साझे, ठीक है, हे तैयार थे पो। सेकंड रेसिपी तक बुधाई तो छा, सेकंड रेसिपी असि सूजी आई गजर जो हलवो, सूजी और गाजर का हलवा। इसके लिए हमने क्या क्या लेना है ये नोट कर लें, यहाँ पे हमने ले लेनी है गाजर एक कप से डेढ़ कप जितनी गाजर कद्दूकश की भी, ठीक है, कद्दूकश जैसे हम हलवे के लिए करते हैं। केवड़ा वाटर एक चाय का चम्मच, बादाम किशमिश हाफ प्याली, सूजी डेढ़ कप सूजी है, डेढ़ कप हमारे पास गाजर है, ठीक है, चीनी एक कप, छोटी इलायची छः अदद और वनस्पति घी हाफ कप, और यहाँ पे दूध है एक पाव, ठीक है। गजर कद्दूकश कयल जी गजर के हलवे जला कंदा आयो डेढ़ कप, सूजी डेढ़ कप, ठीक है, बई हम वजन खाना है। केवड़ा वाटर एक चाय जो चमचो, किशमिश ऐं बादाम बई मिलाए तकरीबन चार का छह खाने जा चमचा, नंडा फोटा छह अदद, खंड एक कप ऐं अध कप वनस्पति घी, ऐं हुन सां गॾु हिते छा विधो आहे खीर एक पा खीर आहे, ठीक है, ही विंदो हिन में। ॾाढी मज़ेदार ही रेसिपी ठहंदी, हलवो थोरो यूनिक ऐं डिफरेंट हलवो आहे, ठीक है, बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। और ब्रेक के बाद हम हलवे को स्टार्ट करेंगे, इसको एक दफ़ा फिर चेक करते हैं, एक दफ़ा पलटा दें,
इसमें फ्लेवर सिर्फ हरी मिर्च का ही आएगा, ठीक है। हरी मिर्च और आलू की सब्ज़ी है तो हरी मिर्चों से ही इसमें फ्लेवर आएगा। हम इसमें लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, 8 से 10 अदद मोटी हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। आई पो हिन खां पोइ असां हीअ स्टार्ट कंदासीं। अच्छा, टमाटर हिते मूं वटि कटिंग थियल आहिनि, 2 अदद टमाटा आहिनि, बारीक कटिंग थियल आहिनि, सावा धाणा वेंदा अधु कठी। ऐं हीअ आहे खटाई पाउडर, अंबचूर मैंगो पाउडर, जेको अंब जो पाउडर हूंदो आहे, इहो 1 चांहि जो चमचो ईंदो, ठीक आहे। हम इसमें टमाटर डालेंगे 2 अदद बारीक कटिंग किए हुए, हरा धनिया डालेंगे आधी कट्ठी या हाफ कप जितना, और यहाँ पे है खटाई पाउडर, मैंगो पाउडर है, ये हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। जब हमारे आलू गल जाएंगे उसके बाद ये चीज़ें डालेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, ब्रेक का पची रेसिपी कंटिन्यू करना से, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई, सावा मिर्च ऐं आलू जी तरकारी ठहे पई, भाॼी ठहे पई, ठीकु आहे, हू तयारु पई थिए। ऐं हाणे हिते छा कंदासीं, असां सेकेंड रेसिपी स्टार्ट कंदासीं। सेकेंड रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या लेना है, एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन ले लेना है, ठीक है। इसमें हमने डाल देना है बनस्पति घी 1/2 कप, बनस्पति घी 1/2 कप डाल दिया, ठीक है। घी जब गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची 6 अदद तोड़ के, नंढा पोटा 6 अदद तोड़े विझंदासीं जॾहिं घी तव्हांजो गरम थी वेंदो, ठीक है। देसी घी भी यूज़ करे सघंदा आहियो, इसमें देसी घी आहे जेको, उहो बि तव्हां यूज़ करे सघो था, ठीकु आहे। छोटी इलायची 6 अदद तोड़ के इसमें डालेंगे। घी जैसे मेल्ट होगा तो इलायची की इसके अंदर खुशबू आने लगेगी। घी जीअं हिते गरम थींदो, हिन में नंढे फोटनि जी खुशबू अचणु शुरू थी वेंदी, ठीकु आहे। जैसे छोटी इलायची की खुशबू आएगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी 1.5 कप, यानी 1 पाव से थोड़ी कम है सूजी, ठीक है। 1.5 कप सूजी हम लेंगे। जैसे घी गर्म होगा इलायची की खुशबू आने लगेगी, पहले इलायची को डाल के हल्का सा जैसे भगार बनता है, उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे 1.5 कप, ठीक है। 1.5 कप सूजी भी थी, सूजी को इसमें घी में भूनेंगे हल्की आंच पे। ट्रे का 4 मिनट हल्की आंच कर देते हैं, 3 से 4 मिनट तक सूजी को भूनते रहेंगे, ठीक है। साइड्स इसके उतारते रहें ताकि साइड्स जो हैं वो लगे ना और जले ना। 3-4 मिनट तक आपने सूजी को हल्की आंच पे भूनते रहना है। ठीक है, 3-4 मिनट तक बनस्पति घी या देसी घी में आपने सूजी को भूनते रहना है। जब सूजी 3 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो कश किया हुआ गाजर है ये इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जो कद्दूकश किया हुआ गाजर है वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सूजी 1/2 कप बनस्पति घी या देसी घी खणंदासीं, गरम कंदा, नंढा फोटो 6 अदद विधा तोड़े, उनखां पोइ में सूजी विधी, सूजी विधी 3 मिंट सूजी के तव्हां पचाईंदो। साइड्स उतारते जाएं, सूजी को घी में पकाते रहें। बहुत मज़े का ये सर्दियों के हिसाब से हलवा है, इसमें बबल्स बन रहे हैं, सूजी हमारी तैयार हो रही है। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर 1.5 कप कद्दूकश किया हुआ, ठीक है। गाजर 1.5 कप कद्दूकश तेल विधो, हल्की बाहें ते इनके भुनंदासीं। सूजी और गाजर को 5 मिनट तक आपने पकाना है ताकि गाजर अपना पानी छोड़ेगा इसमें, उसके बाद गाजर ड्राई होने लगेगा, ठीक है। उसका कच्चापन ख़त्म करना है, इस तरह फैलाते जाएं और इसको भूनते जाएं। कलर बहुत अच्छा आ रहा है इसका सूजी के साथ कॉम्बिनेशन, तरीके से इनके प्रेस कंदा रहें दो। इसको घी में भूनते रहें, फिर पलटाते रहें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके गाजर का पानी निकलता रहेगा और वो घी में पकते रहेंगे, ठीक है।
इतने जिस तरह गजर पचन पे हल्की पाए थे इतने आलू के चक कहूँ था हाफ कप पानी डाला था, इसको पलटाएंगे, इसको स्पून से चेक करेंगे। अभी थोड़ी कसर है, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, ठीक है। 5 मिनट का पंजे अंदर टमाटर ऐड करना से ये देखें दानेदार सा ये हलवा बन रहा है। चंगी तरह इनके पचाईंदा रहो, प्रेस कंदा रहो, ठीक है। स्पून से डोई सा इनके दबाईंदा रहो। छा गजर में जो पानी होंद जी कच्चोपन होंद वो असा खत्म करो घी में भुने 5 मिनट सूजी से गुड। पे 3 मिनट सूजी के भुनो उनका गजरन के, ठीक है। पहले 3 मिनट आपने सूजी को भुना, उसके बाद आपने इसमें गाजर डाली। अच्छी तरह पलटाते जाए। अब ये ड्राई फॉर्म की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ ऐसा खुश्क थे लगो है जो इनके अंदर पानी और मॉइस्चराइज़र हो ख़त्म थे पे, ठीक है। जो मॉइस्ट था इसके अंदर पानी था नमी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है गाजरों से, सूजी की और गाजर की, ठीक है। इस तरह फैलाने से क्या होता है कि इसका जो पानी है सूजी का सॉरी गाजर का वो निकलता जाएगा और ड्राई होता जाएगा, ठीक है। इसको पलटाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, 1 कप चीनी डालेंगे आँच हल्की करके, ठीक है। हाणे इनमें 1 कप चीनी भी जंदा सी, खंड 1 कप चीनी चली गई। चीनी डाल के इसको मिक्स करेंगे और चीनी का पानी निकलेगा इसमें, ठीक है। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, हीट पे जाके चीनी पानी छोड़ती है। कितना टाइम आया साठ ब्रेक में, ठीक है। चीनी डालने से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। चंगी तरह प्रेस कंदो, खंड जो पानी खुश्क थो। अब इसको पलटाते रहें, चीनी का पानी जब इसमें ड्राई होगा, ये 1 कप पूरी हो गई चीनी, पहले मैंने थोड़ी बचा के रखी थी, लेने अब इसमें पूरी 1 कप चीनी डाल दी, ठीक है। चीनी डालने के बाद इसको 5 मिनट तक आपने भूनना है, उसके बाद 1 पाव इसमें दूध जाएगा। ठीक है, पूरा साइड से उतारते जाएँ ताकि देखें अब चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है, नमी सी आ गई है इसके अंदर, ठीक है। खंड जो पानी आने इनमें अची वो है, नमी अची वही है इनके अंदर, पहले खुश्क थी वो हलवो, चीनी का पानी ड्राई हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम दूध डालना शुरू करेंगे। इतना 1 पाव दूध है, पहले थोड़ा डालेंगे आधा, फिर अध खीर विझंदासीं अध पाव इनके मिक्स कंदासीं। फिर इन दौरान असां इनमें विझंदासीं केवड़ा वाटर 1 चाय जो चम्मच, केवड़ा वाटर 1 चाय का चम्मच। अभी नरम हो गया, मिक्स करें अच्छी तरह साइडों से भी। फिर हम इसमें डालेंगे आधा पाव दूध, और तो तकरीबन 1 पाव दूध चला गया, ठीक है। 1 पाव खीर इनके अंदर हले हुआ है, इसको मिक्स करेंगे। आलू चेक कर था, आलू जो पानी खुश्क थी वो अहीं जा कतला जे कैन ये देखें, ये अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गए आलू हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे टमाटर, 2 अदर टमाटर चॉप किए हुए, 2 अदर टमाटा इनके अंदर कटिंग कर लीजा से, ठीक है। 1 शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, ठीक है। जैसे मैं इनमें टमाटा मिक्स करें इनके कवर करें दम पर रखा तो वटूँ था कि शॉर्ट ब्रेक देखा पची रेसिपी कंटिन्यू करना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थी वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं में टमाटा एड कया। टमाटा एड करण खां पोइ हिनखे वरी कवर कयो 5-10 मिंटनि लाइ, 8 मिंटनि लाइ, ताकी टमाटा गरी वञनि। हुन खां पोइ हिन में सावा धाणा ऐं
खटाई पाउडर विझंदासीं। ठीक है, टमाटर डाल दी थे, टमाटर डाल के मैंने इसको कवर कर दिया। हलवे में जब मैंने इसमें दूध डाला था तो वो दूध पहले लिक्विड बन गया था। अब इसको हल्का हल्का भूनते रहेंगे और घी जब अलग होने लगेगा आपको खुद नज़र आएगा हलवा बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो रहा है। ठीक है, इनके चंगी तरह पलटाइंदा वींदासीं, पलटाइंदा रहे जो इनके पचाइंदा 5 खां 8 मिंट में असांजो हलवो तैयार थी वेंदो। देखिए इस तरह पलटाते रहें। आखिर में इसमें पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू जो आपके पास है, कुछ भी नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट ज़रूरी हों घर में, सिर्फ आप गाजर और सूजी से देसी घी या घी से बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। शाम के टाइम, सुबह के टाइम नाश्ते में बना लें, बच्चों को बना के दें, बहुत मज़े का ये हलवा बनेगा। ठीक है, इनके इन तरीके से पलटाइंदा रहो। चंगी तरह बस अब इसका देखें, बिल्कुल घी छोड़ना शुरू हो गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। पैंदे से जब घी छोड़ना शुरू हो जाता है तो हलवा तैयार होता है। ठीक है, जॾहिं हलवे तैयार थियण जो मकसद इहो तैयार ख़बर ईअं पवंदी आहे, जॾहिं साइड्स में घी छॾंदो आहे, जॻह चिंबड़ंदी न आहे, त पोइ हलवो असांजो तयारु थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, जीअं रेसिपी रिपीट कयां पियो, सूजी ऐं बेसण जो, सूजी ऐं गजरनि जो हलवो। हिन लाइ 1.5 कप सूजी खई, 1.5 कप गजर कद्दूकश करे खयां, 1/2 कप घी गरम कयो, 4 खां 6 अदद नंढा फोटा विझंदो, खुशबू अचणु लॻे त सूजी में विझंदो, 1.5 कप सूजी खे हल्की बाहि ते भुञंदो 5-4 मिंट, हुनखां पोइ हिनजे अंदरि गजर कश करे 1.5 कप विझंदो, हुनखे 5 मिंट हल्की बाहि ते भुञंदा रहंदो, चमचो हलाईंदो रहंदो, जॾहिं हुनजो कचोपन ख़तमु थी वेंदो। ठीकु आहे, हुनखां पोइ तव्हां छा विझंदो, हिन में खंडु विझंदो 1 कप, 1 कप खंडु विझण खां पोइ हल्की बाहि ते खंड में 5 मिंट पचाईंदो, 5 मिंट पचाइण खां पोइ जॾहिं खंड जो पाणी खुश्क थियणु लॻंदो, खुशबू अचणु लॻे, त पोइ तव्हां हिन में विझंदो केवड़ा वॉटर 1 चांहि जो चमचो। ठीकु आहे, हुनखां पोइ तव्हां 1 पाउ खीरु खणंदो, जंहिंमां 1/2 पहिरीं विझी मिक्स कंदो, थोरी देरि भुञंदो, वरी पोइ 1/2 खीर 1/2 विझंदो, तकरीबन 1 पाउ खीरु हलियो वियो। हुनखां पोइ हिनखे मुसलसल मां भुञा पियो, हाणे बिल्कुलु तयारु थी वियो, दाणा दाणा थियणु लॻा आहिनि, हिन जा पाणी तव्हांखे ख़बर पवंदी, हलवो जॾहिं तयारु थी वेंदो खुश्क थी वेंदो आहे, घी अलॻि थियणु शुरू थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, हाणे जॾहिं तयारु थी वियो त हिनजे मथां असां विझंदासीं पिस्ता, बादाम या किशमिश या बादाम जो बि तव्हां अटाए, मूं वटि 2 खाइण जा चमचा किशमिश हुई, 2 खाइण जा चमचा बादाम हुई, मां उहो विझी छॾी आहे। ठीकु आहे, यहाँ तक की रेसिपी रिपीट करा रहो। गाजर और सूजी का हलवा बन रहा है, सर्दियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। देसी घी या बनस्पति घी आपने 1/2 कप गरम करना है, इसमें छोटी इलायची तोड़ के आपने 6 अदद डाल देनी है, खुशबू आने लगी, फिर सूजी डाल देंगे 1.5 कप जितनी, या 1 पाव सूजी का भी बना सकती हैं तो 1 पाव गाजर ले लें। ठीक है, ये 1 पाव से थोड़ी कम थी सूजी, 1.5 कप थी सूजी डाल के हल्की आंच पे इसको 5 मिनट तक आप भूनती रहेंगी, खुशबू आने लगेगी, फिर आप इसमें डाल देंगी गाजर कद्दूकश किया हुआ, गाजर डाल के फिर आपने इसको हल्की आंच पे 5 से 8 मिनट भूनते रहना है। गाजर का पानी खुश्क हो जाएगा, जब आप देखेंगी अंदाज़ा हो जाएगा, तो फिर आप इसमें 1 कप चीनी डाल देंगी, चीनी डाल के हल्की आँच पर इसको भूनते रहें। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब चीनी का पानी खुश्क होने लगेगा, फिर 1 पाव दूध ले लेंगे, जिसमें से 1/2 डालेंगी, फिर उसको भूनते रहें हल्की आंच पे, फिर 1/2 दूध डालेंगी, वो 1 पाव दूध हो जाएगा पूरा भून के, साथ ही केवड़ा वाटर 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। 5-8 मिनट 10 मिनट तक आपने भूनना है, हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा, दानेदार सा हो जाएगा, खुशबू आने लगी खुद ही, तो फिर आप इसको निकाल दें, जो ड्राई फ्रूट है तो वो डाल दें, नहीं है ड्राई फ्रूट तो उसके बगैर भी आप हलवा बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हलवा तैयार हो गया। सके तो ज़बरदस्त सूजी ऐं गजरनि जो हलवो तयारु थी वियो, कलर बि इनजो ॾाढो सुठो 2 शेड में अचे पियो, किशमिश डाल दी थी मैंने और बादाम लास्ट में डाल दिया था, इसका कलर। ठीक है, ये एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। टमाटर डाल दिया था, टमाटर इसके अंदर गल गया, इसको हम पलटा देंगे। ठीक है, टमाटर के अंदर नरम थिया, सिर्फ हरी मिर्च का फ्लेवर है और टमाटर का फ्लेवर और जीरे का। ठीक है, और नमक है, हल्दी है। अब हम डाल देंगे इसमें 1/2 कप जितना हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ, 1/2 कप सावा धाणा बारीक कटिंग थियल, ऐं मैंगो पाउडर, ये आमचूर का पाउडर मिलता है, मैंगो पाउडर, खटाई पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच चला गया। ठीक है, खटाई पाउडर 1 चाय जो चमचो, ऐं सागर सावा मिर्च और सॉरी सावा धाणा 1/2 गठी या 1/2 कप जेतिरा, हिनखे मिक्स कंदासीं। इसको 2-3 मिनट दम पे रखेंगे और फिर से डिश आउट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, इसको आप रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है, चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं।
5 मिनट इसको दम पे रखा है। रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। आलू और हरी मिर्च की सब्ज़ी के लिए आपने 8 से 10 अदद मोटी हरी मिर्चें ले लेनी है, ठीक है। अगर छोटी हैं तो 10 ले लें, बड़ी हैं हरी मिर्चें तो 8 ले लें, बारीक कटिंग करके रखें। 8 खाने के चम्मच ऑयल गरम किया, उसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला, साथ ही हरी मिर्चें चॉप की हुई 8 से 10 अदद डाल दी, हल्का सा भगार बना, उसके बाद आपने उसमें आलू डाल देने, ठीक है। आलू डाल के उसको आपने उसमें एक प्याज डाल देना, हाफ स्लाइस कटिंग करके प्याज डालना है, प्याज को हल्का सा नरम करना है, फिर आपने उसमें आलू डाल देने आधा किलो या 1.5 पाव कतले बना के भूने 2 मिनट के बाद उसमें हल्दी पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून नमक डालें, 1/2 टीस्पून फिर मिक्स करें, फिर उसमें 1/2 कप पानी डाल के कवर करके हल्की आंच पे पकने दें। आलू जब गल जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें 2 अदर टमाटर चॉप करके डाल दिए थे, टमाटर के डालने के बाद मिक्स करके आपने 5 मिनट दम पे लगा दिया, टमाटर गल जाएगा, पानी बिल्कुल ड्राई होने लगेगा, फिर उसमें आपने हरा धनिया 1/2 कप डाल देना है बारीक कटिंग करके, और खटाई मैंगो पाउडर मिलता है वो डाल दें 1 चाय का चम्मच ऊपर से, मिक्स करके इसको दम पे रख दें, 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर दें, ठीक है। फिर इस तरह जी रेसिपी रिपीट कराएं पे हो। पटाटा साए मिर्चन जी भाजी 8 का 10 अदद सावा मिर्च मोटा वारा खण जो बारीक कटिंग कर छो, ऑयल गरम कंदो 8 खण जो चमचो, उनमें 1 खण जो चमचो अछो जीरो, सावा मिर्च 8 का 10 अदद विझी उन दाग ठाई तो में गाढ़े मिर्चन जो पाउडर ना दाग ठंदो, उनका पो तुम जो अंदर विझो बसर, बसर विझो 1 गंढ, बसर के हल्को सो नरम कंदो, बसर नरम थे तो आलू जो कतला विझी छो 1/2 किलो या 1.5 पाव, उनके भुनो 2 मिंट का हाइट 1/2 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचो विझी मसाले के चंगी तरह भुनो, उनका 1/2 कप पानी विझी दम ते रखी छो, हल्की बाहे ते पटाटा गर्मींदा पानी खुश्क थे, 2 अदर टमाटर कटिंग कर विझो, टमाटा कटिंग कर वरी दम ते रखी छो 5 मिनट ला, टमाटा गरी वा तो उनके मिक्स कजो, सावा दाणा 1/2 गठी या 1/2 कप जितना सावा धाणा बारीक कटिंग कर विझो, खटाई पाउडर आमचूर पाउडर जो अंबड़ी जो पाउडर मिलो वो विझो 1 चाय जो चमचो, मिक्स कर वरी 5 मिनट दम से लगाए इनके डिश आउट के वी। टाइम असा वे हाँ ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, आलू और हरी मिर्च, इसमें सिर्फ जायका आएगा हरी मिर्चों का, आपको बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा, ज़ीरा हरी मिर्च का फ्लेवर है और खटाई पाउडर मैंगो पाउडर डाला है, इमली वगैरह लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ही एक स्वाद होगा, ठीक है। ये ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई आलू की और हरी मिर्चों से, इसका जायका ही हरी मिर्चों से आएगा। ये हो गई हमारी एक रेसिपी और ये हो गई हमारी सेकेंड रेसिपी, ठीक है। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ एसएल मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी, वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल देखिएगा, कल हम चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे, उसके साथ एक फ्राइड राइस बनाएंगे थोड़े स्पाइसी से थोड़े डिफरेंट करके, ताकि उसके साथ कोई सॉस खाने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट फ्राइड राइस खाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी, सर्दियों में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ एसएल जो पेज आते रेसिपी अपलोड थी, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर शेयर कर। इंशाल्लाह सुबह असं ठाईंदी चिकन कॉर्न सूप, सर्दियों के हिसाब से तमाम बेहतरीन सूप है, ढो फेमस हों, मूँ लाइक कह सा गुट चाइनीज राइस ठाईंदी चाइनीज चावर, मज़ेदार ही रेसिपी सुबह ऐसो पाँच कोर्स सारो ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।